बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के राजद उम्मीदवार तनवीर हसन ने कन्हैया कुमार को लड़ाई से बाहर बताया है। वोट डालने पहुंचे तनवीर हसन से जब ये पूछा गया कि आपकी लड़ाई किससे है, तो सीधे शब्दों में तनवीर हसन ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन के बीच लड़ाई है, तीसरा कोई भी नहीं है। तनवीर ने बलिया में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय ऊपरी टोला के बूथ संख्या 46 में मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बिना कन्हैया का नाम लिए हुए आरोप लगाया कि कन्हैया और कन्हैया के आदमियों के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि राजद द्वारा कम्युनिस्ट को समर्थन दे दिया गया है, जो बिल्कुल निराधार है। राजद बेगूसराय लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज करेगी। डॉक्टर तनवीर हसन ने प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कहीं कहीं से ये भी अफवाहें आ रही हैं कि मतदाताओं को डरा धमकाकर एक विशेष दल में वोट करवाया जा रहा है, और तनवीर हसन ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।